लोग यही समझते रहे हैं कि राशिद महमूद साहब अपने बिल की वजह से परेशान है और दोबारा इतना बिल आ गया। यूट्यूबर जो ये खोचल है ना वो समझ रहे थे। मैंने सारी जिंदगी कुछ चंदे बंदे नहीं मांगे हुए, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ मांग रहा था। मैंने पहले बिल जमा कराया 45,800 रुपए का, उसके बाद एहतजाज कर वो एहतजाज मैंने अपनी कोई जो शोबिज का राशिद महमूद उसके हवाले से भी पाकिस्तानी किया था। मर रहे हैं लोग बिल देने के लिए, 25,000 तनख्वाह आपने 18,000 को उसको बिल दे दिया, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, दाल रोटी कैसे खाएंगे, किराए का घर है, इनकम है उसकी 30,000 रुपए में आप रोज का खाना नहीं खिला सकते अपने बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। नाज़रीन, बिजली के बिल जो इस वक्त हैं वो सर चढ़ कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आम और ख़ास से ख़ास बंदा भी परेशान है। हमारे साथ नामवर एक्टर, नामवर हस्ती राशिद महमूद साहब मौजूद हैं। पिछली दफ़ा भी इनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया था, जिसके बाद इन्होंने एक अच्छी खासी हड़ताल की थी कि इतना ज़्यादा बिल जो है वो नामंजूर है, मगर इनकी उस हड़ताल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आज एक दो महीने के बाद दोबारा उसी तरीके से बहुत ज़्यादा बिल लेने आ गए हैं। ज़रा जानते हैं कि ये बिल इतना कैसे इनको आता है, क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज करते हैं और ये क्या हमारी हुकूमत कर क्या रही है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने सर्वाइवल गिमिक्स जो है ना कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे वो कर रही है, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कोई नहीं है मेरे मुल्क में। तो जो आया था बेटा, पहला बिल जो आया था जिस पर मैंने एहतजाज, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ मांग रहा था किसी से, मैंने पहले बिल जमा कराया 45,800 रुपए का, उसके बाद एहतजाज कर वो एहतजाज मैंने अपनी कोई जो शोबिज का राशिद महमूद उसके हवाले से भी पाकिस्तानी किया था। मर रहे हैं लोग बिल देने के लिए, 25,000 तनख्वाह आपने 18,000 को उसको बिल दे दिया। कौन है ये आइंस्टाइन, ये जो खांचे ईजाद करता था कैसे लोग निचोड़ना उनका। मेरा एहतजाज वो था, अब की बार जो है वो था 701 यूनिट का 45,000 और कुछ का, अब की बार जो था वो था 503 यूनिट का 31,000 राउंड अब वो भी दे दिया, भर दिया मैंने, क्योंकि हमने वो क्या कहते हैं ना कि हुक्म हाकम मर्ग मफाजात, हमने रहना या मरना तो हमने तो इसी ज़मीन पे दफन होना, इनका नहीं पता ये कहाँ दफन होंगे ये क्या नहीं होंगे। अच्छा, अब आप बता रहे हैं कि वो एहतजाज अवाम के लिए था, लेकिन अभी तक पूरे लोग यही समझते रहे हैं कि राशिद महमूद साहब अपने बिल की वजह से परेशान है और दोबारा इतना बिल आ गया। यूट्यूबर जो ये खोचल है ना वो समझ रहे थे, वो सबको पता मेरा, मैं खुली किताब हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी कुछ चंदे बंदे नहीं मांगे हुए, जो मेरी अल्लाह ने जितना मुझे जिस उसने हैसियत में रखा उसी पे सर्व किया और उसी को राजी रखा मेरा। मेरा एहतजाज उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए था कि ये इजहार राय की आज़ादी सिर्फ आपको कि उसने ये कर दिया उसने ये, आप जो सारे नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान और मजीद पता नहीं कौन सा पाकिस्तान आएगा, आप जो जी चाहे करो, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, वोट हम देते हैं, भेजते हम हैं, आप जाके वहाँ पहले से ऑलरेडी इस कदर मराहत आपके पास है, किसी चीज़ का बिल आपके पास नहीं आता, हर चीज़ आपके लिए मुफ्त है और आप आके अपनी उन्हीं मराहत को फिर मजीद मल्टीप्लाई कर लेते हो। हमारा जो सदर साहब का ऐवान घर है उसको भी मजीद रेनोवेट किया जा रहा है, बकिया दूसरे जो सबको किया जा रहा है, अरे इस कौम को कौन रेनोवेट करेगा, उनके लिए कौन सोचेगा। मेरा एहतजाज ये था और इसका मुझे आज़ादी जो है बेटा, किसी भी ह्यूमन बींग को जब रब ने पहला फ़र्ज ज़मीन पर उतारा था तो ये उसका पैदाइशी हक है आज़ादी, आप उनको आज़ादी के नाम पर कैद करके रखे हुए, आपके लिए हर चीज़ है और हर चीज़ मुफ्त है आपके लिए, जिनको देना चाहिए आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। मेरा एहतजाज ये था, बिल तो हम भर रहे हैं, मरेंगे ना हम, किसी भी शक्ल में करेंगे सारे के साथ। तो मैं अपने लोगों को, मेरे कलेजे मेरे मोहल्ले में, मेरी जो काम करने वाली मेरे घर में जो दो बच्चियां आती हैं, अब उनको मैं कितने पाउंड दे देता हूँ, फॉर द टाइम बींग आती है, काम करती हैं चले जाती हैं, एक लिमिट है जो हम उनको देते हैं। अब उसमें जब उसका बिल बेचारी की जिसके महीने की इनकम 20,000 है टोटल, तीन घरों में काम करके, या 25,000 उसको बिल आप 22,000 का भेज दो तो कैसे करेगी। तो हम जितना मेरी औकात में, मैं उतना अपनी कम्युनिटी का अपने लोगों का ख्याल रखता हूँ, लेकिन उनका ख्याल उनको रखना चाहिए जो जिनके बारे में रोज़ हम सुनते हैं कि फलां ये लूट के ले गया, फलां की जायदादें इंग्लैंड में, फलां की दुबई में, फलां की फलां, ये हम तो नहीं कह रहे। अच्छा, हम तो सुनते हैं कि भाई सरकारी अदारे बिजली भी चोरी करते हैं और उन्हें कोई नहीं पूछने वाला है, बेशुमार रोज हम नेट पर देखते हैं उनके कोई, ये हम कोई ऐसे बुग्ज मुआवजे में बात नहीं कर रहे, ये फैक्ट है, बिल हैं। अब ये IPPs की बात कर लो,
ये कौन सा साइंसदान था जिसने ये इजाद किया कि और मालिकान भी उसमें तो मोस्टली आप हैं सारे के सारे। अभी आप हमारा खून चूसने के लिए यहाँ आए, सब कुछ आपके लिए है, उसके लिए कौन है? वोट हमने दिया कि जाओ वहाँ बैठ के हमारा ख्याल करो, आप वहाँ जाके सिर्फ अपने उस पर करते। मेरा एहतजाज फैक्ट्स का है, मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं अल्लाह की पार्टी का हूँ, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो मेरा राइट है उस पर बात करना, सारी नेशन की उस कर्व को जिससे वो गुजर रही है उस पर बात की है। बिल तो जमा करा रहा हूँ, मैं मरूँगा किसी भी तरह कराऊँगा, कराता रहूँगा बिल, क्योंकि मुझे मरना तो नहीं, साल में पीरी में बीमार आदमी हूँ मैं, चार अटैकों से फिर बचा हूँ, तो रब ने कुछ काम मेरे जिम्मे रखे हुए जो मुझे करके उसके पास जाना है, मैं उस लिए जिंदा हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, दाल रोटी कैसे खाएंगे, किराए का घर है, इनकम है उसकी 30,000, 1,000 रुपये में आप रोज़ का खाना नहीं खिला सकते अपने बच्चों को। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, हर बाब इख्तियार को उस पर तवज्जो करनी चाहिए, न करेंगे तो ये फॉर द टाइमिंग होती है, ये सारे गिमिक्स जो सर्वाइवल गिमिक्स होते हैं, जब तक फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होती आप वो एक्ट कर नहीं रहे जिसकी रिएक्ट की आप तवक्को किए बैठे हो, तो ख्वाब देखने पे दुनिया में कोई पाबंदी नहीं है बेटा। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें चीज़ों के बारे में बताया। अभी तक आवाम यही समझ रही थी, हम ये समझ रहे थे कि शायद राशिद महमूद साहब खुद अपने बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने बड़ी मुश्किलात के बाद अपनी बिजली का बिल पे किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका एहतजाज ये आवाम के लिए, आवाम के लिए वो बाहर निकले हैं, इस महीने भी उन्होंने अपना बिल पे किया जितना भी आया। इजाज़त दें, वस्सलाम।